गाइस, वेलकम टू नेटवर्किंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो ये चीज बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग इसको, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं कि हमें हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करना है। और रेंडमली बस 2 दिन पहले ही मैं सर्च कर रहा था करियर इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैं देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी, ऑलमोस्ट काफी वीडियोज देखी इसके अंदर, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि हार्डवेयर नेटवर्किंग में आप कोर्स बनाइए, अपना करिए और अपना करियर बनाइए। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस, आपने ऑलरेडी अगर ये वीडियोस देखी हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ये कोर्स करने जा रहे हैं तो सभी लोग आपको बोल रहे हैं कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग का डिप्लोमा करिए। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम चले हुए हैं आजकल, ठीक है, तो वो बोलते हैं हमसे डिप्लोमा करिए हार्डवेयर नेटवर्किंग का प्लस टू के बाद, ठीक है। तो प्लस टू या 10th क्लास के बाद लोग डिप्लोमा करने लग जाते हैं इनका, 1 साल 1.5 साल का इनका AICTE अप्रूव्ड भी नहीं होता इनका डिप्लोमा। सो AICTE क्या है अगर आप चेक करें गूगल पर, ठीक है, ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो आपने कुछ भी अगर करियर से रिलेटेड कुछ भी करना है, डिप्लोमा करना है या कुछ भी करना है, तो AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने खुद के ही डिप्लोमा बनाए हुए कि हमसे 1 साल का डिप्लोमा करो। तो डिप्लोमा क्या होता है, बस एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे और जब आप बाद में वो कोर्स करके निकलेंगे तो आपको पता चलेगा इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आप ये कोर्सेज करते हो हार्डवेयर और नेटवर्किंग के, ठीक है, तो ये आपको एक अच्छी जॉब नहीं प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आपने 10th या प्लस टू की हुई है। तो इस थंबनेल के अंदर भी लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर 10th एंड प्लस टू। तो 10th और प्लस टू स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है 10th और प्लस टू आप स्कूल में ही होंगे और आपने अभी पास किया होगा स्कूल। तो आप लोगों को मैं सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैंने 3-4 कंपनीज में काम किया हुआ है और अभी भी मैं स्टिल वर्किंग। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी, ग्रेजुएशन इज मस्ट है आज की डेट में, आपको वो जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप 10th प्लस 2 के बाद अगर जॉब ढूंढने जाएंगे तो कोई भी अच्छी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं आपको सारी लाइफ 8,000 से लेके 15,000-20,000 की जॉब में करना है, इतने का तो आप फोन ले लेते हो यार आजकल, तो अगर आपको ऐसी जॉब करनी है सारी लाइफ यही सैलरी पर, तो आप 10th और प्लस 2 के बाद कोर्स करिए हार्डवेयर नेटवर्किंग का। बट अगर एक्चुअल में आपको प्रोफेशनल एक इंजीनियर बनना है नेटवर्किंग का, ठीक है, तो आपको कुछ, मैं पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद आप बाद में सोचना, अभी से प्लान मत करिए कि जॉब ही करना है अभी, तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली। और रेगुलर कोर्स का ज्यादा वैल्यू होता है, कई लोग ये भी पूछते हैं कि रेगुलर करें या डिस्टेंस करें, तो रेगुलर ही कोर्स करना चाहिए, ठीक है। कई कंपनी डिस्टेंस को जॉब नहीं देती है डिस्टेंस वालों को, बट अगर आपका कुछ फाइनेंशियली इशू है घर पर, आप कर ही नहीं सकते पढ़ाई आगे, तो आप डिस्टेंस कर लो, एटलीस्ट 10th प्लस 2 से बेटर है, ठीक है। तो आपको पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और अगर आपको आईटी में जाना है आगे, तो आप कई सारी ये चीजें होती हैं, जैसे बीसीए होता है, ठीक है, बीएससी आईटी होता है, अगर आप बीटेक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एक आपका बीटेक होता है जिसका फीस थोड़ा हाई चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी कई आईटी डिग्रीज भी हैं, बीसीए बीएससी आपको नॉर्मली बहुत कम फीस में कई सारे कॉलेजेस को कराते हैं। तो अपनी पहले स्टडी कंप्लीट करिए, और हार्डवेयर जो बोलते हैं ना हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, नेटवर्किंग इंजीनियर बनना है, तो आजकल हार्डवेयर वाली फील्ड की इतनी वैल्यू रहेगी नहीं। पहले होता था ऐसे 5-10 साल पहले कि कंपनीज को अपने कंप्यूटर्स को रैम वगैरह या बहुत सारी चीजों उनको कॉन्फिगर करनी पड़ती थी, बट आजकल की जो कंपनीज है जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, आईबीएम हो गया, तो ये कंपनीज को 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर कुछ इश्यू आएगा आपके लैपटॉप में, सिस्टम में, सर्वर में, तो हम फिक्स करेंगे वो, ठीक है। और अगर ऐसी कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन तो मिनिमम मांगते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी एक वेबसाइट है, जब आप जॉब अपना स्कूलिंग वगैरह करने के बाद जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करते हैं कि हमें क्या करना है हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर, तो मैंने यही सर्च मारा, ठीक है, तो मैंने सर्च किया, अब मैं 3-4 ओपन कर रहा हूं यहां से, ठीक है। तो आप पर एनी ग्रेजुएट एनी स्पेशलाइजेशन, तो आप पढ़ाई पूरी करेंगे तभी आपको, और ये तो नॉर्मल कंपनीज हैं, दीज आर स्मॉल, तो
तो अगर बड़ी कंपनीज में आप अप्लाई करोगे तो वहां तो ग्रेजुएशन मस्त ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बड़ी कंपनीज के बारे में अगर हम सर्च मारें, जैसे कि डेल हो गया या आईबीएम हो गया, तो वहां फिर आपकी जॉब आए। एक सेकंड, मुझे चेक करना है। डेल इंटरनेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बैठ के फ्री टाइम में, एचपी, ठीक है। तो ऐसे कई कंपनीज हैं जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ऐसे बड़ी कंपनीज जो हार्डवेयर इंजीनियर्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, बट वो लोग सारे आपके ग्रेजुएशन मांगते हैं। मैं आपको ये तीन चार जॉब्स में दिखा रहा था, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट, और ये देखिए बीएससी कंप्यूटर्स, बीटेक, एनी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर्स। तो 10+2 करने के बाद आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना 1-1.5 साल जो है खराब कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा कभी 1-2 साल तक आप ये करेंगे, फिर जॉब तो मिलेगी नहीं, फिर आप सोचेंगे चलो बीसीए बीएससी करते हैं, तो वो टाइम क्यों खराब कर रहे हो, राइट। तो हार्डवेयर का कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। हार्डवेयर नेटवर्किंग के डिप्लोमास करने मैं, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, करना तो करिए। बाकी हार्डवेयर अगर आपको सीखना है तो A+ का एक कोर्स होता है जो कॉम्पटिया बनाती है, तो कॉम्पटिया। और अगर आपको नेटवर्किंग सीखनी है तो सिस्को का एक सीसीएनए कोर्स होता है। तो आप ये दो कोर्स करिए, तो ये इनका वैल्यू हार्डवेयर नेटवर्किंग के डिप्लोमा से बहुत ज्यादा है। ये इंटरनेशनल कोर्स होते हैं आपको, और इनके पेपर भी होते हैं, बट पेपर का फीस इनका काफी ज्यादा होता है। तो आप इसकी नॉलेज भी अगर ले लेंगे तो आपको ज्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, A+, ठीक है, A+ इंजीनियर जिन्होंने A+ या सीसीएनए किया होता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, और इनकी सैलरी वाइज भी ये थोड़े बेटर होते हैं दूसरों से। ओके, सो यही मैं आपको गाइडेंस देना चाह रहा था कि 10+2 के बाद अपना आप ग्रेजुएशन करिए, नॉर्मल व्हाट वी कॉल टेक्नीशियन। तो अगर आपको बनना है तो एक अच्छे लेवल पे इंजीनियर बने, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मार्केट बनाया हुआ है। हर सिटी में इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, डिप्लोमा इन हार्डवेयर, डिप्लोमा इन नेटवर्किंग। सो अल्टीमेटली ये आपको फिर कहीं नहीं लेकर जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी पढ़ाई पूरी ही करनी पड़ेगी। और बहुत लोगों ने अपना करियर इसकी वजह से, मतलब बात पता है क्या, देखिए इसमें भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे अगर ये करोगे, बट फर्क ये होगा कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपका सैलरी वही 20,000 25,000 तक होगा, या हो सकता है कि चलो 30-35 तक लगा लो, ठीक है। बट जब आप ये फील्ड करते हैं और ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, 5 से 10 साल के बाद आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख से ऊपर तक जा सकती है, तो बहुत फर्क होता है। और ये भी मैंने बेस्ट बताया, तो होता तो यही है। मैंने तो जो आज तक देखे उनका 8 से 15 हजार से ऊपर मैंने किसी का नहीं देखा जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी करी, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे हैं जिन्होंने 5-10 साल लगा दिए, तो अपनी कंप्लीट करें ग्रेजुएशन। और इसका एक और भी फायदा होता है कि कल को अगर आपको बाहर अप्लाई करना है, आउट ऑफ कंट्री, तो वहां पर भी आपके पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर किया होते हैं। ओके, सो यही मेरा इस वीडियो का मकसद था, ताकि आपको मैं इन्फॉर्म कर सकूं। और बाकी हमारे चैनल पर और वीडियोस हैं नेटवर्किंग की बेसिक्स, तो आप 2-4 वीडियोस देख के थोड़ा अपने आप को यूट्यूब पर सर्च करें, 2-3 साल पढ़िए, पढ़ाई करें यूट्यूब वगैरह से, उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो उसके बाद आप अपना सीसीएनए या A+ जैसे कोर्सेज करके अपना करियर आगे आगे बनाइए। ओके, चलो, थैंक यू।